My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, God wants to elevate you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं. He is going to take you to high places. वो आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहते हैं. Yes, He wants to honor you. हाँ, वो आपका आदर करना चाहते हैं. If you read Deuteronomy 28:1, अगर आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 पढ़े, the Bible says, बाइबल कहती है, the Lord your God will set you high. कि आपका प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचे पर रखेगा. He will set you high above all. वो सबके ऊपर आपको रखेगा. This is the heart of the Lord. यही तो परमेश्वर का हृदय है. My children should be the head and not the tail. कि मेरी जो संतान है वो सिर हो, पूंछ नहीं. Yes, the Lord Jesus has a name above every name. हाँ, प्रभु यीशु मसीह का नाम तो सब नामों में श्रेष्ठ है. And He has given us His name. और उसने हमें अपना नाम दिया है. Jesus has given us His name. यीशु ने हमें अपना नाम दिया है. For us to become His children. कि हम उसकी संतान हो जाएं. He has washed us from every sin through His name. उसने अपने नाम के द्वारा हमें हर एक पाप से धोकर शुद्ध किया है. And we are sanctified by His name. और हम उसके नाम के द्वारा शुद्ध किए गए हैं. So He elevates us also. According to His name. और इसलिए वो अपने नाम के अनुसार हमें ऊंचा उठाता है. This year's promise is found in Isaiah 58:14. और इस महीने की प्रतिज्ञा जो है वो तो यशायाह अध्याय 58 वचन 14 में पाई जाती है. He will cause us to ride in triumph in high places on the heights of the land. और ये कहता है, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तुझे ऊंचाई पर रखूंगा. This is God's plan for you. यही आपके लिए परमेश्वर की योजना है. He lifts our head. वो हमारे सिर को ऊंचा उठाते हैं. Yes, in the Bible, King Ahasuerus lifted the head of Aman who was serving him. और निश्चय ही अर्थक्षेत्र राजा ने उसकी सेवा करने वाले हामान के सिर को ऊंचा किया. This Haman was a crooked man. और ये हामान जो व्यक्ति था, ये तो दुष्ट व्यक्ति था. He did everything possible by giving bribes and so on to get a high place before the king. और उसने राजा के सामने ऊंचा स्थान पाने के लिए हर एक संभव कोशिश की, घूस दी और सब कुछ किया. But finally, his evil prevailed against him, and he was killed by hanging. और अंत में ऐसा हुआ कि उसकी बुराई उसी के विरुद्ध में आ गई और उसे फांसी देकर मार दिया गया. But God says, लेकिन परमेश्वर ने कहा, My son, मेरे बेटे, My daughter, मेरी बेटी, I will lift your head. मैं तुम्हारे सिर को ऊंचा उठाऊंगा. In Psalm 3:3, भजन संहिता 3:3, the psalmist says, भजनकार ये कहता है, But you, O Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है. Yes, he puts a shield around us. He himself becomes a shield around us. वो तो हमारे आसपास ढाल रखते हैं, वो स्वयं हमारी ढाल हो जाते हैं. So that no evil, no sin of the world will touch us. कि कोई भी बुराई, संसार का कोई भी पाप हमें छूने न पाए. And he himself rises up in glory within us. और वही तो बड़ी महिमा के साथ में हमारे अंदर में उदय होते हैं. We become the temples of God's glory. हम परमेश्वर की महिमा के भवन हो जाते हैं. And then he lifts our head high above all. और फिर वो हमारे सिर को सबसे ऊंचा उठाते हैं. In Isaiah 61:7, यशायाह अध्याय 61 वचन 7 में, he gives us double portion of honor for all the shame that we have gone through. ये कहता है कि जिस नामधराई या जिस अपमान में से हम होकर जाते हैं, उसके बदले में वो दुगना आदर हमें देते हैं. And in Zephaniah 3:19, और सपन्या 3:19 में, The Lord says, परमेश्वर कहते हैं, I will deal with all those who oppressed you. जो तुम्हें सताते हैं, उन सब से मैं व्यवहार करूंगा. I will give you praise and honor in the very land where you went through shame. और जिस जगह पर, जिस देश में तुम अपमान में से, शर्मिंदगी में से होकर गए, उसी जगह पर मैं तुम्हें आदर दूंगा. A dear sister called Vishalam gave her testimony like this. प्यारी बहन विशालम ने हमें अपनी गवाही इस तरह से बताई. Before 8 years, 8 साल पहले, She had got a loan from a bank. उन्होंने बैंक से एक लोन लिया था. With that, she built her house, an own house. उसके द्वारा उसने अपना खुद का घर बनाया. But
She could not pay back the loan. लेकिन वो उस लोन को चुका नहीं पाई. And the loan went up to 8 lakhs of rupees. और फिर जो लोन है वो बढ़कर 8 लाख रुपए हो गया. And the people, the bankers came to take over her house and take over all her property. और बैंक वाले आए कि उनके पूरे घर को, उनकी सारी संपत्ति को ले ले. They put her things outside the house. उन्होंने उनके घर की सारी चीजें घर के बाहर फेंक दी. Wanted to seal the house. और उस घर को सील करना चाहते थे. But suddenly something happened. They just walked off. लेकिन अचानक कुछ हुआ और वो ऐसे चले गए. And they sent 3 notices to her. और उन्होंने उन्हें 3 नोटिस भेजी. But then added to that agony. और इस परेशानी में और भी जोड़ने की बात हुई. Suddenly her husband who was working in the government died. अचानक उनके पति जो सरकारी नौकरी कर रहे थे वो मर गए. Double portion of agony. और दुगना दुख हो गया. She went to her husband's office. वो अपने पति के ऑफिस में गई. And said, "Will I get any death benefit?" और पूछा क्या उनकी मृत्यु के बाद मुझे कोई लाभ मिलेंगे? They said. उन्होंने कहा, Your husband has borrowed heavily. आपके पति ने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया है. So after paying all that back, you may get only a few thousand. और वो सब कुछ चुकाने के बाद में आपको केवल कुछ हजार रुपए मिल सकते हैं. Again, all her hope was gone. फिर से उनकी सारी आशा चली गई. It was at that time she came to our prayer tower. और ऐसे समय में वो हमारे prayer tower में आई. And that week I was ministering in the prayer tower in Vanagaram in Chennai. और उस हफ्ते वानगरम चेन्नई में मैं वहाँ पर prayer tower में सेवकाई कर रहा था. So after the prayers, प्रार्थना के बाद, I was praying for everyone individually. मैं हर एक के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहा था. She had come in the line. वो लाइन में आई थी. And said, "My house is being taken away, brother. I have to pay back the loan. I don't know what to do." मेरे घर को छीन लिया गया है भाई. मुझे कर्जा चुकाना होगा. मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं. And I had laid hands upon her. और मैंने उन पर अपने हाथ रखे. And said, "Lord, help her with regard to her house." और मैंने कहा, प्रभु इनके घर के मामले में आप इनकी मदद कीजिए. And the compensation following that, the death benefit of her husband came. और साथ साथ में उसके बाद में जो उनके पति की मृत्यु के बाद उनको जो पैसा मिलना था वो आया. She was surprised. वो हैरान हो गई. Because it was not a few thousands. क्योंकि ये केवल कुछ हजार रुपए नहीं थे. She got 5 lakhs rupees. उन्हें 5 लाख रुपए मिले. It was amazing. वो तो हैरान हो गई. And at that moment, the bank also sent her a letter. और उस समय बैंक ने भी उन्हें लेटर भेजा. They said, "We are reducing the loan." उन्होंने कहा कि हम आपका लोन घटा रहे हैं. It is enough. You pay back only 5 lakhs. अभी काफी है. अभी आपको केवल 5 लाख रुपए ही चुकाना होगा. It was amazing how God arranged everything. परमेश्वर ने उनके लिए बहुत ही अद्भुत रीति से ये सारा प्रबंध किया. She paid back the loan. उसने पूरा कर्जा चुका दिया. And got out of debt. और कर्जे से बाहर आ गई. And she lives in her home. अब वो अपने घर में रहती हैं. Debt free. कर्ज मुक्त होकर. Shame free. शर्मिंदगी से आजाद होकर. God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए इसे करेंगे. He will lift your head. वो आपके सिर को ऊंचा उठाएंगे. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो. And secondly, He will anoint your head. और दूसरी बात कि वो आपके सिर पर अभिषेक करेंगे. Psalm 23:5 says. भजन संहिता 23:5 यही तो कहता है. The scripture says. वचन कहता है. You prepare a table before me in the presence of my enemies. कि तूने मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाई है. And you anoint my head with oil. और तूने मेरे सिर पर तेल मला है. My cup overflows. और मेरा कटोरा उमड़ रहा है. My friend, before all your enemies, God will anoint your head with oil. मेरे दोस्तों, आपके सारे शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके सिर पर तेल का अभिषेक करेंगे. The oil of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा का तेल है. When the enemy comes in like a flood, the Holy Spirit will raise a standard against him. और जब शत्रु बाढ़ के नाई आपके विरुद्ध में आता है, तो पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करता है. Isaiah 59:19 says so. यशायाह 59:19 यही तो कहता है. That's why we need the Lord Holy Spirit in us. और इसलिए हम में पवित्र आत्मा होना चाहिए. He will fight for us against our enemies. हमारे शत्रुओं के विरुद्ध में वो हमारी ओर से लड़ेंगे. Get filled with the Holy Spirit today. आज पवित्र आत्मा से भर जाएं. How to receive the Lord Holy Spirit in you? अपने अंदर कैसे प्रभु पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लें?
Jesus said, "Ask and you shall receive the Holy Spirit." यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा. The Spirit of Jesus will come into you and will anoint your head with oil before all your enemies. और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपके सारे शत्रुओं के सामने वो आपके सिर पर आप तेल का अभिषेक करेगा. And in Psalm 9 and verse 13. और फिर भजन संहिता अध्याय 9 वचन 13. The psalmist says, "See how my enemies persecute me, Lord." और ये कहता है कि देख मेरे शत्रु मुझे कैसे सताते हैं प्रभु. Have mercy on me and lift me up from the gates of death. मुझे तो मुझ पर तू दया कर और मुझे मृत्यु के फाटक से ऊंचा उठा दे. God will lift you up from the gates of death before your enemies. परमेश्वर आपके शत्रु के सामने आपको मृत्यु के फाटकों के पास से उठा लेंगे. He'll make you live. वो आपको जीवित रखेंगे. In Psalm 27:6, भजन संहिता 27:6 में, the psalmist says, भजनकार ये कहता है, my head will be exalted above my enemies who surround me. और वो कहता है, अब मेरा जो सिर है मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा. And in Exodus 23:22, the Lord says, और निर्गमन अध्याय 23 वचन 22 में प्रभु ने कहा, I will be an enemy to your enemies. मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु हो जाऊंगा. And will oppose those who oppose you. और जो तुम्हारा विरोध करते हैं तुम्हारे द्रोहियों का द्रोही मैं हो जाऊंगा. My friend, the Lord will fight for you against your enemies by lifting your head and anointing it with oil. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपके लिए लड़ेंगे, आपके सिर को उठाएंगे और आपके सिर पर अभिषेक करेंगे. The oil of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा का तेल है. Now, what are the enemies that come against us? अब वो कौन से शत्रु हैं जो हमारे विरुद्ध में आते हैं? First, it is the enemy of sin. सबसे पहले ये तो पाप का शत्रु है. The Bible says in Romans 6:23. रोमियो 6:23 में बाइबल हमें बताती है. The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है. In Exodus 32 and verse 25. निर्गमन अध्याय 32 वचन 25 में. Aaron the high priest made the people commit sin by making them take off their clothes and worship the calves. हारून जो महायाजक था उसने इसराइलियों से पाप करवाया जब इसराइलियों ने अपने वस्त्र उतार दिए और उस बछड़ी की उपासना की. Yes, sin makes a person to become naked. हाँ, पाप जो है वो तो उस व्यक्ति को विवस्त्र कर देता है, नंगा कर देता है. Genesis 2:25. उत्पत्ति 2:25. Adam and Eve committed sin. आदम और हव्वा ने पाप किया था. They disobeyed God's commandment. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी. And they became naked. और वो तो विवस्त्र हो गए. Yes, sin brings shame. हाँ, पाप जो है वो तो शर्मिंदगी लाता है. Sin is an enemy. पाप जो है वो शत्रु है. That's why in Colossians 2:14. और इसलिए कुलूसियों 2:14 में, Jesus went to the cross. यीशु क्रूस पर गए. And destroyed the power of sin. और उसने पाप की सामर्थ को नाश कर दिया. Triumphing over its power. और उसकी सामर्थ के ऊपर में वो विजयी हो गए. And nailing the principalities to the cross. और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को उसने क्रूस पे जड़ दिया. To make us to be free from sin. ताकि हमें पाप से आजाद कर दे. Even today. आज भी. You can be free from sin. आप पाप से आजाद हो सकते हैं. There was a person who was number 2 in a big company. एक ऐसा व्यक्ति था जो एक बहुत बड़ी कंपनी में दूसरे स्थान पर थे. Yes, he was very close to the chief executive officer. हाँ, वो chief executive officer के बहुत ही करीबी व्यक्ति थे. And the chief executive officer depended on him for everything. और जो chief executive officer है वो सारी बातों के लिए उसी पर आधारित रहते थे. And the CEO was going to retire. और CEO रिटायर होने वाले थे. Everybody said this man number 2 will become the CEO. और सब लोग कहने लगे कि दूसरे नंबर का व्यक्ति ये CEO बनेगा. Because he is already running the company. क्योंकि ये तो पहले से कंपनी चला रहे हैं. But the day of the retirement came. लेकिन जब रिटायरमेंट का दिन आया. The board came. और बोर्ड आई. Thanked him. उनका धन्यवाद किया. And they were going to announce the next CEO. और वो अगले CEO की घोषणा करने वाले थे. The number 2 man was expecting his name to be announced. और दूसरे नंबर का जो व्यक्ति था वो अपेक्षा कर रहा था कि उसका नाम लिया जाएगा. But they chose an outsider to be the CEO. लेकिन उन्होंने किसी बाहर वाले को चुना कि वो CEO हो जाए. They never chose this man. उन्होंने इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चुना. The heart of this number 2 was broken. और इस दूसरे नंबर के व्यक्ति का हृदय टूट गया. And when the new CEO came, the man who did not get the post was bitter. और जो नया CEO आया तो जिस व्यक्ति को वो पोस्ट नहीं मिली थी वो व्यक्ति बहुत ही कड़वा हो गया. He hated going to the office. उसे ऑफिस में जाने से घृणा होने लगी. He hated the organization. उसने ऑर्गेनाइजेशन से नफरत की.
And he started hating himself. और वो तो खुद से भी नफरत करने लग गया. Saying I'm a useless person. और कहने लगे कि मैं तो बेकार हूँ. I can never succeed. मैं कभी सफल नहीं हो सकता. I'll always be number two. मैं हमेशा नंबर दो पर ही रहूँगा. Because of that, he stopped praying. और उसके कारण उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी. Stopped believing in God. परमेश्वर पर विश्वास करना बंद कर दिया. Saying what did God do to me? और कहा परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? Why he didn't lift me up? उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? I was so faithful. मैं इतना विश्वास योग्य था. Yes, my friend. हाँ मेरे दोस्तों, grumbling is sin. कुड़कुड़ाना पाप है. That's what the Bible says. इसलिए बाइबल कहती है. And sin entered into him. पाप ने उसमें प्रवेश किया. He became a chain smoker. और वो बहुत ही जो सिगरेट पीने वाले हो गए. And he felt so bitter. और वो बहुत ही कड़वे हो गए. Isaiah 1:15 says. यशा 1:15 कहता है. When you have this hate. You have blood in your hands. और जब आप नफरत करते, घृणा करते, तो आपके हाथ मानो खून से सने होते हैं। One day, a friend of his met him in a train. एक दिन उनके एक मित्र उनसे ट्रेन में मिले। And said, "Why are you like this?" उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो? Where is your faith in God? परमेश्वर में तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? Where is your trust in God? परमेश्वर में तुम्हारा भरोसा कहाँ रहा? You are killing yourself. तुम अपने आप की हत्या कर रहे हो। By having this hate. And your face is so dark. और ये नफरत रखने के द्वारा तुम्हारा चेहरा देखो इतना खराब हो चुका है. You are coughing. और तुम खांस रहे हो. And smoking all the time. और हमेशा तुम सिगरेट पीते रहते हो. And you have become a person of hate. और तुम तो नफरत से भरे व्यक्ति हो. Go back. वापस जाओ. And tell the Lord. और प्रभु से कहना. I still trust you. मैं अभी भी आप पर भरोसा करता हूँ. I will follow you. मैं आपके पीछे चलूँगा. And tell the CEO. और अपने CEO से कहना. Sir. Sir. I will help you. मैं आपकी मदद करूँगा. I will support you. मैं आपकी सहायता करूँगा. I will strengthen your hands. मैं आपके हाथों को बल दूँगा. Let's work together to build the company. आइए इस कंपनी को उभारने के लिए एक साथ मिलकर काम करें. And when he did it, और जब उन्होंने ऐसा किया, the CEO rejoiced over him. CEO उसके ऊपर बहुत ही आनंदित हो गए. He got back to business. और वो फिर से काम में लग गए. And the company began to prosper. और वो कंपनी संपन्न होने लगी. The day came. और फिर एक दिन आया. The CEO retired. CEO रिटायर हो गए. And this man was made the CEO. और इस व्यक्ति को CEO बनाया गया. God honored him. परमेश्वर ने इनका आदर किया. With greater profits. और बड़ा लाभ दिया. My friend. मेरे दोस्तों. God will deliver you from the sin of hate and grumbling. परमेश्वर आपको नफरत और कुड़कुड़ाने के पाप से छुड़ाएंगे. Which makes we ourselves to become an enemy of ourselves. इसके कारण क्या होता है? हम तो खुद अपने ही शत्रु बन जाते हैं. But Jesus comes to give us life. लेकिन यीशु हमें जीवन देने के लिए आते हैं. And he turns all things into good in our lives. और वो हमारे जीवन में सब कुछ भलाई में बदल देते हैं. As we trust in him. जैसे हम उस पर भरोसा करते हैं. Yes, he will anoint your head with oil and enable you to trust him through the Holy Spirit. हाँ, वो आपके सिर पर तेल का अभिषेक करेंगे और आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप पवित्र आत्मा पर भरोसा करें. And he will lift your head high up. वो आपके सिर को ऊंचा उठाएंगे. And secondly, और फिर दूसरी बात, the evil people, जो बुरे लोग हैं, 2 Thessalonians 3:2, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2, Paul says, pray for me that I will be delivered from wicked and unreasonable people. पॉलुस यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं दुष्ट और ऐसे बुरे लोगों से छुड़ाया जाऊँ. And Micah 7:6 says, और मीका 7:6 कहता है, your own family are enemies. आपके अपने परिवार वाले शत्रु हैं. The son dishonors the father. और जो बेटा है वो तो अपने पिता का अपमान करता है. Daughter rises up against the mother. और जो बेटी है वो तो माँ के विरुद्ध में उठ खड़ी होती है. Daughter-in-law against the mother-in-law. और जो बहू है वो तो सास के विरुद्ध में होती है. A man's enemies are the members of his own household. और मनुष्य के जो शत्रु है वो तो उसके खुद के घर के सदस्य हैं. But then Jesus gave his body to bring the separated ones together by sacrificing his body on the cross. लेकिन यीशु ने अपनी देह दे दी ताकि जो अलग अलग हो चुके थे उन सभी लोगों को एक साथ क्रूस पे मिलाए. Ephesians 2:16-18. इफिसियों 2 अध्याय वचन 16 से 18 तक. Through his sacrifice, he brings the whole family together. अपने बलिदान के द्वारा वो उस पूरे परिवार को एक साथ लेकर आते हैं. He breaks the power of hate of people. वो तो लोगों की नफरत की सामर्थ को तोड़ देते हैं. He brings the both the parties which are fighting against each other
together. वो दोनों लोग जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं उन्हें एक साथ लेकर आते हैं. Proverbs 16:7 says. नीति वचन 16:7 कहता है. If a man's ways please God. अगर मनुष्य के मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं. He will make his enemies to be at peace with him. तो परमेश्वर ऐसा करेगा कि उसके शत्रु भी उससे मेल मिलाप कर लेंगे. That's why Jesus said, "Bless your enemies." और इसलिए यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं को आशीष दो. Because they will become your best friends and honor you in the days to come when you bless them. क्योंकि जब आप उन्हें आशीष देंगे, तो आने वाले दिनों में वो आपके अच्छे मित्र बनेंगे और आपका आदर करेंगे. You'll have no enemies. आपके कोई शत्रु नहीं रहेंगे. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो. And thirdly, the Bible says. और तीसरी बात बाइबल कहती है. Satan is our enemy. शैतान हमारा शत्रु है. Psalm 143 and verse 3. भजन संहिता 143 वचन 3. The Bible says. बाइबल ये कहती है. Satan follows us. शैतान हमारे पीछे आता है. And puts our life on the floor, on the ground. हमारे जीवन को बिल्कुल नीचे जमीन पर पटक देता है. And makes us live in this world as if we are dead already. और हमें संसार में इस तरह से जीने लगाता है जैसे कि मानो हम पहले ही मर चुके हैं. John 10:10 says. यूहन्ना 10:10 कहता है. Satan steals, kills, and destroys everything in our lives. शैतान तो चोरी करता है, घात करता है और हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट करता है. In John 8:44, he is a liar and makes people lie against us. यूहन्ना 8:44 में देखिए, ये तो शैतान जो है वो तो झूठा है और सभी को झूठ बोलने लगाता है. But Jesus has destroyed the works of the devil. लेकिन यीशु ने शैतान के कामों को नाश किया है. 1 John 5:8. पहला यूहन्ना 5:8. He triumphed over him victoriously. ने उसके ऊपर में विजय प्राप्त की. And Jesus says, "In my name, you will cast out devils." यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो. Jesus has given his name to you to cast out the devils and to overcome Satan. यीशु ने आपको अपना नाम दिया है कि आप शैतान को निकालें और दुष्ट आत्माओं के ऊपर में जयवंत हो जाएं. A husband and wife were living together. पति और पत्नी एक साथ में जी रहे थे. But the own family member did witchcraft against them. लेकिन उनके खुद के परिवार के सदस्यों ने उनके विरुद्ध में जादू कर दिया. There was lot of trouble in the family. परिवार में बहुत सी परेशानी आने लगी. And she would lose her thinking and lose her ability to control herself. और वो तो सोचने की और खुद के ऊपर नियंत्रण करने की सारी योग्यता खोने लग गए. She would walk on the streets keeping her chappals on her head. वो अपने चप्पल को अपने सर पर रखकर ऐसे सड़क पर चलते थे. So much she was so much under the attack and the oppression of the devil. वो जो बहन थी वो तो शत्रु शैतान के दुष्ट आत्मा के द्वारा बहुत परेशान हो चुकी थी. So much shame. इतनी शर्मिंदगी. The husband took her to the hospital. पति उसे हॉस्पिटल में लेकर गया. And this lady would beat up the doctors and the nurses. और ये जो बहन थी ये तो डॉक्टर को और नर्स को मारती थी. And they had a 5-year-old son. और उनका 5 साल का बेटा था. And they had a 5-year-old daughter. उनकी 5 साल की बेटी थी. It was at that time. और ऐसे समय में. The husband found out about the prayer tower. पति ने प्रेयर टावर के बारे में जाना. Brought her to the prayer tower. और उसे प्रेयर टावर में लेकर आए. And they started praying for her. और वो उसके लिए प्रार्थना करने लग गए. And when the attack would come. और जब भी ऐसा कुछ हमला उन पर होता. Call the telephone prayer tower. वो टेलीफोन प्रेयर टावर को फोन करते. And the doctors were saying she will not be ever delivered. और डॉक्टर ने कहा कि ये कभी सामान्य नहीं हो सकती है. But the Holy Spirit came upon her. लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया. And through the ministry of the prayer tower warriors. और प्रेयर टावर के जो वॉरियर्स हैं उनकी सेवकाई के द्वारा. God delivered her from all the demon powers. परमेश्वर ने उन्हें सारी दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य से छुटकारा दिया. And gave her a new life. और उसे नया जीवन दिया. Today as husband, wife and daughter, they are full of the Holy Spirit. आज पति पत्नी बेटी वो सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं. God will do that for you. परमेश्वर आपके लिए यही करेंगे. And finally, और फिर अंत में, the enemy called death. फिर जो शत्रु है जिसका नाम है मृत्यु. 1 Corinthians 15:26. पहला कुरिन्थियों 15:26. Paul says. पौलुस ये कहता है. The last enemy is death. कि अंतिम शत्रु जो है वो तो मृत्यु है. And in 1 Corinthians 15:54. और पहला कुरिन्थियों 15:54 में. He says, the one which brings death is overcome by life. और उसने कहा, जो मृत्यु है, उसके ऊपर जीवन ने जय पाई है. As Jesus gives his enemy over this enemy called
डेथ। जैसे यीशु इस शत्रु जिसे मृत्यु कहते हैं उसके ऊपर में विजयी होते हैं। 1 Corinthians 15:57 पहला कुरिन्थियों 15:57 Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल ना हो। How does he do it? वे इसे कैसे करते हैं? 2 Corinthians 3:18 says. दूसरा कुरिन्थियों 3:18 कहता है। As the Holy Spirit comes into us. और जैसे पवित्र आत्मा हम में आता है। He transforms our spirit into the image of Jesus. वो हमारी आत्मा को यीशु के स्वरूप में बदल देता है। When our spirit leaves our body. और जब हमारे आत्मा हमारी देह को छोड़कर जाता है। Our spirit which is transformed into the image of Jesus goes and connects with the spirit of Jesus. तो हमारी आत्मा जो है जो यीशु के स्वरूप में बनी हुई है वो जाकर यीशु से जुड़ जाती है। And we enter into heaven. और हम स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। That's why in Luke 23:43 और इसलिए लूका अध्याय 23:43 कहता है। As Jesus forgave the sin of the thief on the cross. जैसे यीशु ने क्रूस पर के उस चोर के पापों को क्षमा किया। He said, "Today you will be in paradise with me." और कहा कि आज तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। You can overcome the enemy death. Through the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, and enter into heaven. आप पवित्र आत्मा जो कि यीशु की आत्मा है उसके द्वारा शत्रु के ऊपर में जयवंत हो सकते और स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। May God give you this grace. परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, there are so many enemies in the world. इस संसार में बहुत से शत्रु हैं। Thank you, Lord, you have conquered every one of them. धन्यवाद प्रभु कि आपने उनमें से हर एक के ऊपर जय पाई है। Now. Empower thy children to conquer every one of them. अब अपनी संतानों को सामर्थ्य दीजिए कि उनमें से हर एक के ऊपर जयवंत हो जाए। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And make them more than a conqueror. और इन्हें जयवंत से भी बढ़कर बनाइए। And lift their head higher. इनके सिरों को ऊंचा उठाइए। Honor them. इनका आदर कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।